फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस रूम पर के मेजरमेंट के बारे में। ये रूम पर 1 साल से 3 साल के बच्चों के लिए है। इसको बनाने का तरीका हमने चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया है। किस तरह से हमने फंदे बढ़ाए हैं, किस तरह से हमने फंदे घटाए हैं, ये सब आज हम बताएंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब आज की वीडियो में दूर हो जाएंगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये हमने बॉर्डर के लिए 28 फंदे लिए हैं, 28 फंदा इसमें, 28 फंदा इसमें, और ये हमने 16 सिलाई बुना है, और यहाँ बीच में 4 फंदा बढ़ाया है, यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ। ये अलग अलग पार्ट्स बनाए हैं, ये अलग बुना गया है, ये अलग बुना गया है, यहाँ ये 4 पार्ट बना है। ये हमने 76 सिलाई बुनी है, 36 सिलाई बुना है, और ये 38 लाइन होंगी। ये जो लाइन बना है ये पूरा 38 आएगा यहाँ तक। ये चारों पार्ट मैंने एक बराबर बुन लिया, और यहाँ आकर हमने 4 फंदा बढ़ाया है। ये इधर भी 4 फंदा बढ़ेगा और इधर भी बढ़ेगा, यहाँ से बढ़ाकर फिर यहाँ इतना बुनना है। यहाँ मैंने 58 सिलाई बुना है, 58 सिलाई यानी 29 लाइन। ये सारा एक एक लाइन गिने हैं, 29 लाइन हुआ है। ये मैंने 9 फंदे का बॉर्डर बनाया है। ये 9 फंदे का बॉर्डर जब बनाए हैं तो यहाँ आकर एक फंदा घटा दिए हैं। यहाँ से घटाकर फिर हमने इधर करके एक सिलाई बुन लिया है, फिर दूसरी सिलाई लाए हैं तो दूसरा फंदा घटाए हैं। 21 में से फंदा लेकर घटेगा, फिर उसके बाद ये 9 फंदा बुन लिए हैं, इधर घुमा लिए हैं सिलाई, तीसरा भी इसी तरह लाए हैं बिन बुनकर, और एक फंदा लेकर घटा दिए, फिर यहीं से वापस करके एक सिलाई बुन लिए। फिर चौथे सिलाई में आए हैं तो हमने यहाँ घटाया है, और घटा करके ये सीधा ऐसे ही बुनते चले आए हैं। इस साइड आए हैं, इस साइड भी 9 फंदे का बॉर्डर बुने हैं, एक फंदा इसमें से लेकर हमने घटा लिया, फिर यहीं से मोड़ लिए, दूसरा फंदा भी यहाँ से बुनकर आकर यहाँ घटा लिए, फिर यहीं से मोड़कर हमने बुन लिया। ये बॉर्डर 9 फंदे का बॉर्डर चलता जाएगा। फिर ये तीसरा भी यहीं आकर घटा लिए, इसमें से लेकर एक फंदा घटा लिए, ये सीधा एक घटते गया है। फिर चौथा भी ऐसे ही बुनकर चले गए, चौथा आए हैं तो यहाँ से एक एक फंदा घटाते हुए पूरा इधर तक लाए हैं, फिर यहाँ से लौटकर ये सारा एक एक फंदा घटते गया है दोनों साइड। 4 तो मैंने घटा लिया ऐसे, मैंने ये पहले भी वीडियो में बताया है कि ये इधर यहाँ से घटाकर मोड़ लेना है, यही समझ में नहीं आता है, यहाँ से मोड़ करके फिर उसके बाद जब चौथा सिलाई आएंगे तो ये ले आएंगे, और ये जब इधर का भी चौथा हो जाएगा तो ये बराबर साइड से घटता जाएगा, इधर भी घटेगा एक एक फंदा और इधर भी घटेगा, यहाँ आकर मेरा 20 फंदा बच जाता है बीच का। ये बीच में एक भी फंदा नहीं घटेगा, सिर्फ किनारे घटेगा दोनों साइड। और ये हम बनाए हैं 14 सिलाई बुने हैं, 7 लाइन हुआ है ये बॉर्डर का। यहाँ बीच में हमने बटन होल बनाया है, ये इसकी काज बनाई है। इसके लिए हमने 4 लाइन बनाए, यानी 8 सिलाई बुनकर ये घटाए हैं फंदा, और इसी में बढ़ाए भी हैं। ये वीडियो में है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा हमने ये पट्टी बनाया है, ये जो आया है ये स्ट्रिप बनाया है मैंने। इसके लिए भी हमने 9 फंदा यहाँ से जो बुनते आए हैं, ये जो बॉर्डर आया है बुनते, ये 9 फंदे का बॉर्डर आया है, 9 फंदा हमने इधर से भी बना दिया है, और 9 फंदा इधर वाला भी ये बुन दिए हैं बॉर्डर, ये लाया है इसमें। ये हम बनाए हैं पूरे 100 सिलाई, यानी 50 लाइन हुआ है।
आप लंबाई रखना हो रख सकते हैं, आप इसकी लंबाई जितना रखना चाहें रख सकते हैं, आपके ऊपर है, हम इतना ही रखे हैं। हमने इतना ही रखा है जितना हमको ज़रूरत थी, आप जितना चाहें रख सकते हैं। बटन आप बड़ा छोटा जैसा भी चाहें लगा सकते हैं, हम छोटा लगाएं हम फिर बड़ा भी कर सकते हैं। बटन आप छोटा बड़ा जैसा भी आप लगा सकते हैं, आप अपने पसंद से अपने साइज का जैसा समझ में आए लगाइए। सिंपल बटन को डेकोरेट करने का तरीका मेरे चैनल पे अपलोड है, आप उसे भी देख सकते हैं। ये आगे का पार्ट हमने सारा बना कर दिखा दिया है, इसी तरह पीछे का भी पार्ट बना लें। ये दोनों पार्ट तैयार करके और इसकी सिलाई करना है। सिलाई देखिए कितनी सफाई से सिलाई हुई है, कुछ पता नहीं चल रहा है। इसी तरह सिलाई कर लें। ये पहले हम सिलाई यहाँ से शुरू किए हैं, ये ऐसे सिलते गए हैं, ऐसे ऐसे सिलाई करना है, फिर इसकी सिलाई करना है। ये यहाँ तक सिलाएगा, इसके ऊपर नहीं सिलना है, ये खुला रहेगा, यहीं तक सिलाई हुआ है। इधर की भी साइड को यहाँ से सिलाई हुआ है, ये सब सारा ज्वाइंट कर लें, यहाँ तक ये खुला रहेगा। ये आस्तीन के जगह पे हो गया है। और ये पीछे साइड देखिए प्लेन है, यहाँ सादा है, यहाँ कुछ बना नहीं है। बच्चों में सिंपल अच्छा नहीं लगता है, इसी वजह से हमने यहाँ खरगोश बनाकर लगा दिया है। ये हमने अलग से बनाकर लगाया, आप चाहे जो भी बनाकर लगा सकते हैं खूबसूरती के लिए, इसकी सजावट के लिए आप जो भी चाहे बना लें, लेकिन हमने यही बनवाया है। इसके जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे ये है, ये भी मैंने बनाया है, और चाहे ये भी लगा सकते हैं, कुछ भी आप बनाकर यहाँ लगा सकते हैं इसकी सजावट के लिए। ये बहुत खूबसूरत लगता है बच्चों में, आप टी शर्ट पे पहना सकते हैं, फुल स्वेटर पे पहना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत अच्छा भी लग रहा है, बहुत सुंदर लगता है ये बनाना, और बहुत जल्दी तैयार भी हो जाता है। बनाने में भी आसान और जल्दी तैयार भी हो जाता है, खूबसूरत भी लग रहा है। मुझे उम्मीद है जो भी आपके डाउट्स थे वो दूर हो गए होंगे, इसलिए कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है इसको। जम्पर को ज़रूर बनाएं, फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।